देखे होंगे। अरे मूवीज में तो इन लोगों ने कोहिनूर को तक नहीं छोड़ा, पर क्या आप जानते हो कि रियल लाइफ में भी लोग ऐसे ऐसे तरीकों से स्मगलिंग जैसी एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं ना, कि एक बार में तो कोई भी हो समझ ही नहीं सकता। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए जल्दी से इस वीडियो को आइए देखते हैं। नंबर 10, गोल्ड रश। दोस्तों क्या आप जानते हो कि हमारे देश में सोना दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा महंगा है? तो ऐसे में ये दिमाग तो हर बंदा चला सकता है कि चोरी छुपे सस्ता माल लाया जाए और यहाँ महंगे में बेच दिया जाए। जैसे इस शख्स की करतूत को देखो भाई, ये शख्स मैंगलोर एयरपोर्ट में अरेस्ट हुआ था क्योंकि अपने साथ दुबई से काफी सारे हेयर बैंड्स लेकर के आया था। हैं? हेयर बैंड्स? इसमें क्या गलत है? गलती ये है कि उन हेयर बैंड्स के भीतर लाखों रुपए की कीमत वाले सोने के वायर छुपाए हुए था जो कि सिक्योरिटी इंस्पेक्शन के टाइम पकड़ा गए थे। अरे इतना ही नहीं दोस्तों, ये शख्स तो अपने पैंट के अंदर जहाँ बेल्ट पहनते हैं ना, वहां तक पिघला हुआ सोना छुपाए हुए था। और उसने तो चड्डी तक नहीं छोड़ी थी, वहां भी सोना छुपा करके रखा था। गजब है यार। नंबर 9, सिगरेट इनसाइड अ ट्रंक। दोस्तों सिगरेट एक ऐसी चीज होती है जिसपे किसी भी देश की गवर्नमेंट क्यों ना हो भर भर के टैक्स लगाती है, और यही वजह है कि क्यों 1 रुपए की कीमत रखने वाली ये सिगरेट कस्टमर तक जाते जाते 10 से 20 रुपए तक जितनी महंगी बन जाती है। पर आज कई जगहें ऐसी हैं जहां पर ये सिगरेट काफी ज्यादा सस्ती होती हैं, और यहीं से शुरुआत होती है स्मगलर्स की। ऐसी एक घटना सामने आई थी जिसमें यूके के बॉर्डर के पास कस्टम ऑफिसर्स ने लगभग 55 पेड़ों के तनों के भीतर लगभग 25,000 से भी ज्यादा सिगरेट के पैक्स को सीज किया था। बता दूं, स्मगलर्स इन्हें पोलैंड से यूके लेकर के जा रहे थे, जहां ये पोलैंड में मिलने वाले $1 कीमत के पैक को यूके में $10 जितने महंगे रेट पर बेच सकते थे। बस फिर पुलिस ने देख लिया और हो गए 4 दिन में पैसे डबल। नंबर 8, स्मगलिंग अ ब्रांड न्यू कार इनसाइड ब्रूम ट्रक। दोस्तों अभी तक तो छोटी मोटी चीजों को ही स्मगल किया जा रहा था ना, वेल अब इसे देखो, यहाँ पर ये शख्स अपने झाड़ू से भरे ट्रक में पूरी की पूरी कार ही स्मगल किए दे रहा था। दोस्तों ये कहानी है कुमाटी पूट नाम की जगह की, जहाँ पर एक ट्रक पुराने जमाने की झाड़ूओं से भरकर बाजू वाले देश चला जा रहा था। बॉर्डर पर तैनात पुलिस वालों को तो एक नजर में सब कुछ ठीक लगा, पर जब ये पता चला कि ये ट्रक सिक्योरिटी चेक पर रुका ही नहीं है, तो वो लोग इसके पीछे भागे और देखा कि पुलिस को पीछे आते देख ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग चुका है। जब ट्रक की तलाशी की गई तो मालूम लगा कि इसके अंदर फॉर्ड की एक SUV जिसे चोरी किया गया था उसे बेचने दूसरे देश ले जाया जा रहा था, और ऐसा ये लोग इसके पहले भी कई बार कर चुके थे। वो तो किस्मत थी गाड़ी मालिक की कि बेचारे की गाड़ी बॉर्डर पर मिल गई, नहीं तो ये चोर तो इसे भी बेच खाते। पर कुछ कहो, झाड़ूओं के भीतर माल भर के स्मगल करने का तरीका काफी गजब था। नंबर 7, ट्रक लोड ऑफ एमओ। दोस्तों इस स्मगलिंग ने तो पुलिस वालों के तक होश ही उड़ा डाले थे। टेक्सास के बॉर्डर चेक पर ऐसी एक गाड़ी मिलती है। पुलिस वालों को टीम का कॉल आता है कि एक गाड़ी संदिग्ध हालात में मिली है, और जब उसका सिक्योरिटी चेक किया जाता है तो कुछ नहीं मिलता। पर जब सिक्योरिटी साइट पर छोड़ा जाता है तो डॉग अपने सूंघने की शक्ति से ये तो बता देता है कि भाई साहब गाड़ी में गड़बड़ तो बहुत है। फिर जब अच्छे से चेक किया जाता है तो पता लगता है कि गाड़ी के पिछले भाग को मॉडिफाई किया गया है, जिसमें पिछले कंपार्टमेंट के फ्लोर को ओपन किया जा सकता है। और जैसे ही फ्लोर को ओपन किया जाता है वैसे ही पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। भाई साहब उन्हें मिलती हैं गोलियां, और वो भी इतनी सारी कि आसानी से हजारों की जान ली जा सकती है। नंबर 6, स्मगलिंग ड्रग इनसाइड स्नेक्स। दोस्तों इतना ही नहीं, स्मगलर्स ने तो जानवरों को तक नहीं छोड़ा। ऐसी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि एक शख्स बोआ कंस्ट्रिक्टर नाम के सांपों की प्रजाति का इस्तेमाल करने लग रहा था ड्रग्स को स्मगल करने के लिए। ये पहले सांपों के पेट में कॉन्डम्स में पैक करके ड्रग्स को डाल दिया करता था और फिर सांपों को एक देश से दूसरे देश लेके जाता था। जब सांप जगह पर पहुंच जाते थे
तभी उन्हें जिंदा काट डालता था और ड्रग्स को बाहर निकाल लेता था। न जाने दोस्तों इस शख्स ने कितने सांपों को अपने इस काम के लिए मौत के घाट उतारा था, पर जब इसकी इस घटिया हरकत का पर्दाफाश हुआ तो लोगों के सुनकर के तो होश ही उड़ गए। तो कुल मिलाकर बोले तो ये स्मगलर्स किसी भी चीज को नहीं छोड़ते। आगे जरा देखो इनकी और करतूतों को। नंबर 5, स्मगलिंग अल्कोहल। भाई अब जरा इस कांड को भी देखो, अवैध शराब को स्मगल करना कितना खतरनाक काम होता है वो तो आप सभी को पता होगा। तो ऐसे में अब अल्कोहल को एक देश से दूसरे देश तक ले जाएं तो ले जाएं कैसे? जरा देखो इन स्मगलर्स के पास इस चीज का भी समाधान है। भाई कुछ लोगों ने रातों रात यूक्रेन से मोल्डोवा के बीच पानी की पाइप जैसी सड़क बिछा डाली। ये सड़क बॉर्डर से होती हुई नदियों से होती हुई यूक्रेन के पास के एक गांव में ओपन हुई थी। शुरुआत में तो इन्वेस्टिगेटर्स को लग रहा था कि ये पानी की पाइपलाइन है, पर जब इसे पंचर किया गया तो लोगों के तो होश ही उड़ गए। भाई इसके भीतर से खराब क्वालिटी की शराब बहना शुरू हो गई और जब पाइपलाइन के और छोर का पता लगाया तब तक इसके सारे धनी दोहरी भाग चुके थे। और बता दूं बस इतने ही दिनों में इन स्मगलर्स ने लाखों का गेम भी बजा डाला था। नंबर 4, स्मगलिंग एनिमल्स। दोस्तों कई जानवर इतने कीमती होते हैं कि उनके पाए जाने वाले देश उनकी खरीदी बेची पर भी प्रतिबंध लगा देते हैं। पांडा जिसका काफी सही उदाहरण है, पर क्या आप जानते हो कि ये स्मगलर्स इन जिंदा जानवरों को भी अपने फायदों के लिए स्मगल कर लेते हैं। ऐसा ही एक केस नॉर्वे में सामने आया था जहां पर एक शख्स 14 पायथन और 10 अलग अलग प्रजाति की छिपकलियों को स्मगल कर चाइना ले जा रहा था। दोस्तों ये शख्स इतना पागल था कि अपने हर जेब में भूखे प्यासे जानवरों को भरे हुए था। इवन इसने अपने मोजों के भीतर तक छिपकलियों को भर रखा था। वो तो खैर हो एक मकड़ी का जो इसकी गिरफ्त से पुलिस ऑफिसर्स के सामने बाहर निकल कर गिर गई, जिसके बाद इस शख्स की जांच पड़ताल की गई और जब कपड़े उतारवाए गए तो ये सब भांडा फूट गया। नंबर 3, बेबी स्मगलर्स। दोस्तों मॉल्स में जाने के बाद हम में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर आता है कि कोई अगर यहाँ का सामान जेब में भरकर चला जाए तो क्या होगा। वेल, उसका आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पर क्या आप जानते हो कि एक महिला ने तो ऐसे ही एक काफी बड़ी चोरी को अंजाम दिया था। दोस्तों इस महिला ने सबसे पहले एक बच्चे की ड्रेस खरीदी और उसके भीतर उस दुकान का सारा सामान भर लिया। और तो और उस महिला ने उसे ऐसे पैक किया था कि देखने पर वो एक बच्चे जैसा ही दिख रहा था। बस फिर वो महिला उसे अपने पीछे लटका कर चलती बनी, जिसके बाद जब सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उसे रोका तो वो मानने तैयार ही नहीं थी। पीछे टंगे पुतले के भीतर से सामान निकलता जा रहा था और वो महिला उसे अपना बच्चा बता रही थी। मतलब ये तो एकदम सफेद झूठ था। नंबर 2, सीनियर सिटीजंस। दोस्तों सबसे ज्यादा चोरियां हमारी साइकोलॉजी के वीक पॉइंट का फायदा उठाकर होती हैं। अगर कोई जवान आदमी सड़क पार करे तो लोग उसे आसानी से पकड़ लेंगे, पर अगर कोई बूढ़ी औरत अपने बुढ़ापे की मजबूरी बताकर वही काम करे तो लोग उसे माइंड नहीं करेंगे। कुछ ऐसा ही कांड हुआ हमारे भारत में, जब ये बूढ़े लोग छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करने लग रहे थे। लोगों को सीनियर सिटीजंस पर शक नहीं होता था और यही लोग बच्चों को आसानी से बहला फुसला कर पकड़ कर ले जाया करते थे। तो जब कई रैकेट्स पकड़ाए गए तब जाकर पता चला कि ये किडनैपर्स बच्चों को उठाने के लिए खास तौर पर सीनियर सिटीजंस का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, कबूतर जा जा। दोस्तों ये तरीका स्मगलर्स के बीच अब तक का सबसे ज्यादा मशहूर तरीका माना गया है। दरअसल इस टेक्निक का नाम है कबूतर जा जा, और इसमें होता ये है कि ये लोग ट्रेंड कबूतरों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये उनकी पीठ पर कोकेन जैसी काफी खतरनाक ड्रग्स की थैली पहनाकर उसे उड़ा देते हैं। कबूतर डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है और माल डिलीवर भी कर देता है। इस चीज का पता तब लगा जब ऐसा ही एक कबूतर कुवैत के कस्टम ऑफिसर्स के हाथ चढ़ा, जो कि अपनी पीठ पर ड्रग्स पड़ोसी देश से कुवैत लेकर आ रहा था। पर क्योंकि ये ट्रिक एकदम सेफ होती है तो जानवर भी नहीं बता पाता कि आखिर वो कौन था जो ये स्मगलिंग कर रहा था, और स्मगलर आसानी से बच जाता है। तो कैसी लगी ये वीडियो?
अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए जय हिंद।